नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। और आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में बड़ा फैसला लिया, दिल्ली दरबार ने बड़ा फैसला लिया और जो सस्पेंस बरकरार था वो उस पर से आज पर्दा उठ गया है, क्योंकि आज मोहन यादव जिनको आज मध्य प्रदेश की सीएम की कुर्सी पर काबिज कर दिया गया है। जैसे ही ये नाम सबके सामने आया हर कोई चौंक गया। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान जो कि आउट हो गए हैं और अब मोहन यादव की एंट्री हो गई है। भरत यादव पत्रकार इसी पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। भरत, अगर इसको पहली नजर में देखा जाए तो इसका आकलन कैसे किया जा सकता है मध्य प्रदेश में? म्यूट है एक शायद सेकंड भरत। रुकिएगा। हाँ हाँ आ गई आ गई जी, आवाज आ गई। देखिए हाँ अनुजी, बोलिए इसका बोलिए। पहली नजर में जो आकलन करने के लिए आप बोल रहे हैं, उसका पहली नजर में पहली लाइन में आकलन ये है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को यादवों की शक्ति का परिचय मिल गया है। ये ऐसे ही अकस्मात नहीं हुआ है, यादवों के ऊपर जी ऐसे ही अचानक से कृपा दृष्टि नहीं बन गई है। ये उस यादव व्यक्ति की वजह से हुआ है, उस नीतीश कुमार की वजह से हुआ है, उस तेजस्वी की वजह से हुआ है जिसने बिहार के भीतर यादवों की शक्ति को जातिगत जनगणना के थ्रू लाकर दिखा दिया। नरेंद्र मोदी जी ये बात कहते हैं कि सिर्फ गरीबी ही जाति है, मैं सिर्फ एक जाति को मानकर चलता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा उस जातिगत जनगणना के आगे जो बिहार से आई, जिसमें ये बताया गया कि बिहार में 15% यादव हैं। और जी सबसे बड़ी बात कि जिस जातिगत जनगणना का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उस जातिगत जनगणना के जो मथते हैं मंथन से, जातिगत जनगणना के मंथन से जो पहला अमृत निकला है, वो अमृत भारतीय जनता पार्टी को पीने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी विवश है, विवश हो चुकी है जातिगत जनगणना की वजह से मध्य प्रदेश में एक यादव व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वरना 2014 से अब तक, और आप पीछे का पूरा इतिहास देख लेंगे, तब से अब तक भी जोड़ लेंगे, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी यादव को किसी जीते हुए प्रदेश के भीतर मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। तो ये सबसे ठीक बात बड़ा है। सबूत है, सबसे बड़ा उदाहरण है कि जातिगत जनगणना के सफल होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। जातिगत जनगणना ने ये करके दिखा दिया है कि आपको जाति के आधार पर हाथ में सत्ता सौंपनी पड़ेगी, पावर देनी पड़ेगी। राहुल गांधी चुनाव भले हार गए हो अनुज जी, लेकिन जातिगत जनगणना की उनकी जो घूम घूम कर वो बात कह रहे थे, सबसे हाँ पहले ये बात हाँ अखिलेश यादव कह रहे थे और उसके बाद ये बात कह रहे थे राहुल गांधी। भले राहुल बिल्कुल गांधी 5 राज्यों के टेस्ट में फेल हुए हो, सिर्फ एक राज्य उनके हाथ हाँ में गया हो, लेकिन जो आएंगे बात भरत वो कह भरत रहे जी थे आएंगे। राहुल यादव, जी राहुल गांधी पर भी आएंगे, लेकिन मोहन यादव जी की अगर हम बात करते हैं तो मोहन यादव को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाना जातीय जनगणना की काट के तौर पर देखा जाएगा क्या? और 24 के चुनाव में खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका कोई असर देखने को मिलेगा क्या, या फिर यहाँ अखिलेश यादव, नीतीश और तेजस्वी मिलकर कुछ करेंगे? देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं आपको कोट करके बताता हूं, हालांकि मैं आपको कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर जी स्ट्रोक एक तरफ आप कहेंगे, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। जातिगत जनगणना की वजह से जो संख्या निकल कर आई बिहार में, उसको देखकर ये चौंके, और चौंकने के बाद उत्तर प्रदेश में बिहार से ज्यादा यादव रहते हैं। तो हाँ 2024 के चुनाव का जो आप ओवरऑल बता रहे हैं वो अलग बात है, वो सारे दर्शक जानते हैं, वो सब कुछ लोग जानते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े हैं, पिछड़े हाँ पिछड़े बिल्कुल हैं। केशव प्रसाद मौर्य एक ऑन रिकॉर्डेड बयान में ये बात कहते हैं कि यादव जितना जातिवादी है उतना ही राष्ट्रवादी है। यादवों के ऊपर कितना खुलेआम आरोप लगा दिया, किसी और जाति के ऊपर मैं कोई जातिवाद नहीं करता। देखिए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिस व्यक्ति की पत्नी दूसरी जाति से है, या फिर मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सखा सख, मैं किसी जाति में बिलीव नहीं करता। लेकिन जी भारतीय जनता पार्टी की आप क्रोनोलॉजी समझेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक तरफ डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि यादव जो है जितना जातिवादी है उतना राष्ट्रवादी, एक तरफ जातिवाद का ठप्पा बड़े आराम से मार दिया कि ये सब के सब जातिवादी हैं। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के गठबंधन से अलग हुए ओम प्रकाश राजभर,
आप किसी और जाति के बारे में ऐसा नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यादवों की बुद्धि या फिर अखिलेश यादव को मेरे ख्याल से टारगेट करते हुए कहा था कि इनकी बुद्धि जो है 12 बजे के बाद खुलती है। बिल्कुल। और एक और किसी व्यक्ति का, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसने ये बात कोट करते हुए कही थी कि ये दूध लगाने वाले, गोबर उठाने वाले, तबेला चलाने वाले, ठीक है, ये काम करेंगे, ये सत्ता में आएंगे, सपना देख रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव को लेकर टारगेट किया था, किसी कम्युनिटी, यादव कम्युनिटी को लेकर नहीं किया था, लेकिन यादव जोड़ते हुए किया था। तो अब आप ये बात देखिए कि जिस जाति को लेकर इतनी अपमानजनक बातें की जाती हों, या जिस जाति को नीचा दिखाने की बातें की जाती हों, या जिस जाति पर सीधे आरोप लगा दिया जाता हो, मैं एक बहुत अच्छी बात करना चाहूंगा आज आपसे, लेकिन ये बात कंप्लीट कर लूं उसके बाद। उस जाति के व्यक्ति को सीएम बनाना पड़ा है मध्य प्रदेश के भीतर, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। अब उससे जो दूसरी बात निकलती है, दूसरी बात ये निकलती है कि भीता भी मेरी, मैंने जब आपको फोन किया था कि ऐसा हुआ है क्या, क्योंकि मैं बाहर था और मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा था, तो उसके बाद मैंने एक बड़े नेता को फोन लगाया जी। मैंने उनसे पूछा कि मध्य प्रदेश के भीतर शिवराज को नरेंद्र मोदी जी ने किनारे कर दिया है, कैलाश विजयवर्गीय को किनारे कर दिया, नरेंद्र सिंह तोमर को जो है घास, जो बर्फ में लगा दिया, कहां बेचारा आदमी मंत्री था, देश का कृषि मंत्री था, अब विधायकों के बीच में वो व्यक्ति बैठेगा, और कैलाश विजयवर्गीय कहां कहते थे हम जो है हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर बात आप ये देखिए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने मध्य प्रदेश के भीतर एक पूरी लॉबी को दरकिनार करते हुए एक यादव को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया, जबकि उत्तर प्रदेश के मुकाबले वहां यादव इतने नहीं है मध्य प्रदेश में, पहली बात। दूसरी बात, बिहार के मुकाबले भी नहीं है। तीसरी बात, अब उस बड़े नेता ने एक बात कही जो मुझे भी हैरान कर गई, मैंने कहा कि अरे हुजूर ये क्या कह रहे हैं आप, उसने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में यादवों की गिनती इतनी नहीं है, इतने यादव नहीं है, और उत्तर प्रदेश और बिहार में इतने ज्यादा यादव रहते हैं, और मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी ये कदम उठाने के लिए इतने ताकतवर हैं या दृढ़ संकल्प हैं, जो अपने पूरी जमी जमाई भाजपा को किनारे कर सकते हैं और वहां पर एक यादव को सीएम बना सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में इस फैसले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डगमगा सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगा, वहां वाली दिल्ली वाली भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ यादवों को साधना है या मध्य प्रदेश के इस निर्णय से भी नहीं सदे हैं, तो उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनावों में नरेंद्र मोदी इस बात का ऐलान कर सकते हैं, भले ही सधे अक्षरों में करें वो ये बात कह सकते हैं। हालांकि ये बड़े बड़े नेता आकलन लगा रहे हैं, जैसे मैंने बात की कि वो ऐसे, लेकिन भरत ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है भरत जी, अनुज जी वो ये कह सकते हैं किसी भी रैली से, हालांकि उनका जो है वो जुमले वाली आदत तो वो पुरानी है, वो ये बात कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के यादवों को साधने के लिए कि देखा जी मध्य प्रदेश में हमने क्या किया जी, अब उत्तर प्रदेश के यादव भाई सही जगह वोट करें जी, वो तो कई बार ये बात कह चुके हैं। हालांकि अगर इतना हिंट भी देते हैं, देश के प्रधानमंत्री हिंट देने में माहिर है, अगर वो इतना हिंट भी देते हैं तो उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक डेंट कर सकते हैं। लेकिन अब इसके दूसरी पहलू की बात आती है, दूसरा पहलू ये है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से या मुलायम सिंह यादव से, अखिलेश यादव को एक बार छोड़ भी दीजिए, मुलायम सिंह जी यादव से यादव वर्ग को काटना बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुलायम सिंह जी यादव के भीतर उत्तर प्रदेश के यादव अपना अभिमान, स्वाभिमान, उत्थान, परिचय, नाम, जो भी आप समझ लीजिए, वो सब जोड़ कर देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यादवों का ये कहना है कि अगर मुलायम सिंह जी यादव नहीं होते तो यादवों की पहचान इस भारत देश में वैसी नहीं होती जैसी आज है। उन्होंने यादवों के नाम के आगे लोगों को जी लगाने पर मजबूर कर दिया है, यादव जी हो गए हैं मुलायम सिंह जी यादव के कार्यकाल के बाद। तो मध्य प्रदेश में जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो कदम अच्छा रहा है, लेकिन उस कदम के पीछे अब हाँ
जी, मूल कदम के भरत, मूल कदम के मैं पीछे। आपसे, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है भरत, कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मजबूरी बन गया था कि मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बैठाया जाए कुर्सी पर, और इसका संदेश वो देना चाह रहे हैं बिहार और यूपी में भी। जैसा कि आप भी बता रहे हैं, हमें सबको पता है कि यादव वोट बैंक मध्य प्रदेश में कम से कम इतना ज्यादा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी पर आप यादव बैठा दें, तो यहां पर मजबूर होना पड़ा ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए। देखिए, एक मंत्री है, मैं दूसरी बात से शुरू करूंगा, इस पर भी आऊंगा। जी एक मंत्री है केंद्र सरकार में, यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनका नाम भूपेंद्र यादव, उनका नाम है जी भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव को भारतीय जनता पार्टी ने जब मंत्री बनाया था तो इसी तरीके से यादव बहुत खुश हुए थे। उनको लगा था कि भारतीय जनता पार्टी में, हर जाति में ऐसा होता है, देखिए अगर अनुप्रिया पटेल हैं तो एक वर्ग के लिए हैं, कोई और है, कोई और है, तो इस राजनीति में अलग अलग वर्ग के नेताओं को, जाति के नेताओं को लाया जाता है ताकि वो अपने समुदाय के, अपने समाज की बातों को आगे रख सके, उनको आगे बढ़ा सके, क्योंकि सबका प्रतिनिधित्व हो। जब भूपेंद्र यादव को केंद्र में मंत्री बनाया गया अनुज जी, तो उस समय बहुत उम्मीदें यादवों को जाग गई कि भूपेंद्र यादव जी केंद्र में मंत्री बन गए हैं, यादवों का कुछ उत्थान होगा, कुछ होगा। लेकिन भूपेंद्र यादव को बिना नाखून का मंत्री बनाकर, जो है वो बिना नाखून का शेर बनाकर जंगल में छोड़ दिया गया, जो बेचारा कोई शिकार नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, जिसको सामने से हिरन भी चिढ़ाकर भाग जाता है, जिसको खरगोश भी हाँ जो है आंख दिखाकर भाग जाता है। तो अब ये जो मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के भीतर, इनका हाल भी वैसा ही ना हो, इसीलिए लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव के दबाव में आकर, नीतीश कुमार के दबाव में आकर, जातिगत जनगणना के दबाव में आकर मुख्यमंत्री तो बना दिया है। मास्टर स्ट्रोक कहने के लिए तो लोगों को मजबूर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिनों से किसी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लेकिन मोहन यादव की हालत भी क्या वैसी ही होगी कि मोहन यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो हाँ आरएसएस के से बहुत जुड़ाव रहा है, उनका तीन तीन बार मुख्यमंत्री, तीन तीन बार विधायक रहे हैं, उनके दो बेटे हैं, एक बेटी है, लंबा कार्यकाल है उनका, और राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं, अच्छी पैठ रखते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर कैलाश विजयवर्गीय एंड पूरी कंपनी एक हो गई, दूसरी मामा एंड कंपनी एक हो गई, तीसरी ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड कंपनी एक हो गई, तीसरी नरेंद्र सिंह तोमर एंड कंपनी एक हो गई, चौथी जो सात सांसदों वाला पूरा था और तीन बिल्कुल मंत्रियों वाला पूरा वो गुट था, वो एक हो गया। इन सबके बीच क्या मोहन यादव जी सरकार चला पाएंगे? और क्या अब मध्य प्रदेश में देखिए, मोहन यादव को अगर सरकार चलानी है तो दोनों हाथों में गड़ासे उठाकर तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे सरकार नहीं चला पाएंगे कि हाँ हिजूरी में सरकार नहीं चल पाएगी। अगर ऐसे हाँ हिजूरी में ही सरकार चलानी है तो फिर जो मंत्री बने हैं भाई साहब केंद्र में, जी यादवों के जी समुदाय से, उनके जैसा ही हाल होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अच्छा अच्छा अगर अच्छा अखिलेश यादव की रणनीति क्या हो सकती है भरत, जरा ये भी समझाइए। अब उन्होंने मध्य प्रदेश में जमीन भी खरीद ली है कि भाई वहां पर ऑफिस बनाएंगे, हम 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जिस पर हम 24 का चुनाव लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव कैसे मूव कर सकते हैं आगे। नहीं समझा नहीं, अच्छा एक चीज जो मैं आपसे कह रहा था, दोनों हाथों में गड़ासे का मेरा मतलब ये है कि इसको हाँ कोई अदरवाइज ना ले, मतलब दोनों हाथों में शक्ति रखनी पड़ेगी, बागडोर हाँ अपने हाथ में रखनी पड़ेगी, चापलूसी कमांड और कमांड नमस्ते लेकर हाथ वो चलना चाह, कमांड। हाँ जो आप हाँ कहना, हाँ 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 आप सवाल इकबाल दोहराइए, क्या कह रहे हैं? इकबाल मजबूत करना पड़ेगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं जी आपकी बात से। जी जी दूसरा, जी मैं अखिलेश यादव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे समझना चाह रहा था कि अखिलेश यादव ने एमपी में अभी देखिए प्लॉट भी खरीदे कि वहां पर ऑफिस बनाया जाएगा, और 7 से 8 सीटें तो लोकसभा के चुनाव के वहां पर लड़ने जा रहे हैं, और इस मूव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से जवाब देंगे या रणनीति क्या हो सकती है अखिलेश यादव की। देखिए, मध्य प्रदेश के भीतर अखिलेश यादव का पहुंचना, वहां जमीन लेना, वहां दफ्तर बनाना, ये अखिलेश यादव जी के पक्ष में है, अखिलेश यादव के प्लस पॉइंट में जाता है कि वो मध्य प्रदेश में उतर रहे हैं और मध्य प्रदेश में उतर कर मध्य प्रदेश की राजनीति को करेंगे और मध्य प्रदेश में भी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी लेंगे। क्योंकि अभी तक जो समाजवादी पार्टी का प्रभुत्व था वो कभी
दो सीटों पर, कभी तीन सीटों पर, चार सीटों पर लड़े तो छह सीटों पर मजबूती से, जीते तो दो सीटें मेरे ख्याल से, और जहां तक मुझे याद आ रहा है मैक्सिमम अगर हुई है तो चार हुई है या तीन हुई है, वो भी बाद में टूट कर दूसरी जगह पर चले गए। और अगर मध्य प्रदेश के इस रीजन में, चंबल रीजन में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर रीजन में अगर समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, वहां जमीन खरीद रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट में ही जाएगा, और समाजवादी पार्टी वहां बढ़ेगी तो अखिलेश यादव के लिए फायदे का सौदा रहेगा। लेकिन जिस तरीके से लोग ये बात कह रहे हैं कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बना देने से अब बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आ जाएगा, बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, यादव एक तरफा से कट जाएगा, उसका दूसरा सवाल ये है कि अब जब भारतीय जनता पार्टी यादव, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब ये गारंटी देगी कि उत्तर प्रदेश के भीतर यादव होने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिन यादवों को प्रताड़ित, देखिए मैं तो पत्रकारिता के फील्ड में हूँ, मेरे पास 50 लोग ऐसे आते हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, वो अपनी दुहाई लेते हुए आता है कि फलानी भैया हमारे बगल में जो है फलाने थे, उनकी प्रॉपर्टी डीलिंग जो है सील नहीं हुई है, हमारे में कागज मांग रहे हैं कि तुम्हारा पार्क कहाँ है, तुम्हारा जो है इसमें गाड़ी खड़ी करने की जगह कहाँ, पार्किंग कहाँ, तुम जो है प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हो, इसमें सारे नियम कानून कहाँ है, बाकी बगल में भैया बना रहे हैं उनका नहीं सील करते हैं, हमारा सील करते हैं, कि भैया यादव होए का सब परिणाम है। तो इस तरीके की जो बातें उत्तर प्रदेश के भीतर है, और जो साफ मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यादव और मुसलमान, इन दो समुदायों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की निगाह टेढ़ी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो पक्षपात वाला रवैया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब ये रवैया उत्तर प्रदेश के भीतर से खत्म करेगी? क्या उत्तर प्रदेश में अब यादवों को भारतीय जनता पार्टी अपनाने लगेगी? क्या अपनाना शुरू करेगी? क्या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को ये हुक्म ऊपर से आएगा कि नहीं नहीं अब यादवों को पराया नहीं मानना है? क्या ये चीजें होंगी? क्या क्या उत्तर प्रदेश के, या अच्छा इसकी एक बात और है, इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं, जो चीजें अभी हुई हैं, इसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जानी शुरू हुई थी, क्योंकि जो सवाल मैं आज उठा रहा हूँ, ये सवाल मैंने एक मंच पर भी उठाया था, और वो बहुत बड़ा मंच था, वो भारतीय जनता पार्टी का ही मंच था, आरएसएस का भी मंच था, उस मंच में तमाम सारे पीड़ित जो यादव कम्युनिटी के लोग थे वो पहुंचे हुए थे, उस मंच पर भी ये सवाल उठा था कि यादवों को इतना प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है जी। तो उस मंच पर ये बात हुई थी कि यादव हमारे दुश्मन नहीं है, यादव भी हमारे साथ हैं, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। तो बहुत समय से आरएसएस यादवों को अपने साथ में लाने की कोशिश कर रही है, बहुत समय से, और मध्य प्रदेश में एक यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब उस कदम को सार्वजनिक करना चाहती है कि हम यादवों के दुश्मन नहीं हैं, ऐसा। भरत, एक आखिर में लास्ट सवाल आपसे जरूर करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, जो आपने उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश से संकेत मिलने शुरू हो गए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, जो आप ओबीसी, क्या ओबीसी चेहरा आप सामने लाया जाएगा दिल्ली दरबार की तरफ से, जल्दी से भरत। यही बात तो मैं आपको शुरू में कह रहा था अनुज जी, यही बात मैं आपको शुरू में कह रहा था कि जब नरेंद्र मोदी जी ने इतने बड़े बड़े निर्णय ले लिए हैं, तो अब लोगों को, लोग कह रहे थे वसुंधरा को किनारे करना गुरु आसान नहीं होगा, वसुंधरा बहुत पहुंची चीज है, आसान किनारे करना, मामा को किनारे करना आसान नहीं होगा, बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, रमन सिंह को किनारे करना आसान नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में बहुत पहुंचा हुआ संत है, वो उसको किनारे कर देंगे तो सब वोट वोट चला जाएगा। उसी तरीके से लोग उत्तर प्रदेश में भी यही बात कहते हैं कि अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों योगी आदित्यनाथ को किनारे करना बहुत मुश्किल है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये दो तीन कदम उठाकर ये संकेत तो दे दिए हैं कि किसी को किनारे करना नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल नहीं हो सकता। और इस बात से आपकी उस बात का जवाब निकलता है जो बात आपने कही, और इसको थोड़ा सा मैं जोड़ूंगा, अगर संदेश पहुंच रहा होगा जनता तक तो जरूर पहुंचेगा। आपने अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक कांड हुआ था जिसमें एक यादव प्रेम चंद यादव जी की हत्या हुई थी, और दूसरी तरफ जो है एक अपर कास्ट समुदाय से जो है उनकी हत्या हुई थी, तो दोनों लोगों ने दुबे परिवार और यादव परिवार के बीच में वो उन्होंने इनको मारा, उनने उनको मारा वाली कहानी हुई जी। उसके बाद ये हुआ कि प्रेम यादव का घर गिराया जाए,
पूछा गया क्यों जी क्यों गिराया जाए, तो कहा गया कि प्रेम यादव जो है वो चुनाव लड़ा था जी सपा से, इसलिए उसका घर गिराया जाए, बड़ा गुंडा आदमी है। तो ये पता किया गया कि गुंडा आदमी है तो इसके ऊपर जो है तो धाराएं दफाएं तो सब लगी होंगी, कितनी लगी हैं पता किया गया, तो गुंडा आदमी तो यार नहीं कागज में, तो फिर कैसे गिराया जाए। फिर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कहा कि ये घर गिराया जाए और ऐसा है वैसा है, इसकी कोठी बनी है हवेली बनी है। कोई आदमी अपना घर अच्छा बना ले तो ये तो नहीं है कि वो गुंडा है इसलिए उसने अपना घर बना लिया अच्छा, और कोई आदमी अपना घर ना बना पाए वो गुंडा नहीं है, इसकी ये परिभाषा तो नहीं हो सकती ना। किसी का घर अच्छा है तो वो गुंडा है, किसी का घर अच्छा नहीं। वहां पर जब आप एक बात देखेंगे कि प्रशासन ने नाप जोख की, सब कुछ किया, उत्तर प्रदेश के यादव एक हो गए, दूसरे प्रदेशों के भी यादव एक हुए, एक मुहिम चलाई कि घर नहीं गिरना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि घर गिर जाएगा कोई बात नहीं, हम चंदा लगाकर घर बनवा देंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और बहुत बड़ा कदम है। पत्रकार होने के नाते हम इसका विश्लेषण करते हैं और हमेशा करेंगे, करते रहेंगे। अगर घर गिरता देवरिया में तो बहुत बड़ा मैसेज जाता, लेकिन गलत सरकार जाता। ने घर ना गिराकर सिर्फ और सिर्फ हुड़की देकर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है यादवों की कम्युनिटी में कि हम पुराने जो जख्म है उन पर अब धीरे धीरे मरहम लगाया जाएगा, मरहम लगाएंगे, बिल्कुल कोशिश शुरू हो गई है, शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया भरत, आपने समय निकाला, बातचीत की। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा आगे आने वाले वक्त में क्या तस्वीर निकल कर आती है, कितनी रणनीति कौन सी पार्टी बनाती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, भारत एक सोच देख रहे थे, आप बने रहिए हमारे साथ। जी भरत, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, एक चीज और है, आपके साथ लाइव में हमेशा ऐसा हो जाता है। एक चीज और, कोई बात नहीं, मैं इंतजार ही कर रहा था कि आप बोलेंगे ये बात की एक चीज रह गई है, बोलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है, बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमें जो लगता है तो हमको लगता है कि बोल देना चाहिए, बता देना चाहिए। हाँ। क्योंकि हम गोदी मीडिया तो है नहीं कि एक तरफ की बात बताएं और दूसरी बात छुपाते जाए। हम जब मुक्त कंठ से ये बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, मास्टर स्ट्रोक चला है, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ऐसा कदम नहीं उठाया गया, तो दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक घर गिराने की बात कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक यादव यादव वर्सेस दुबे, यादव वर्सेस ब्राह्मण करने की कोशिश उत्तर प्रदेश के भीतर कर रहे थे, भयंकर कोशिश की। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वो कोशिश कामयाब नहीं होने दी। तो क्या ऊपर से कोई इशारा है, क्या ऊपर से कुछ मैसेज है कि उत्तर प्रदेश में अब यादवों को भारतीय जनता पार्टी की छतरी के नीचे लाना होगा? और इसकी तीसरी सबसे बड़ी बात यह है अनुज जी कि अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को एक्स्ट्रा सजग होना पड़ेगा। अब तक जो ये बात हो रही थी कि यादव समाजवादी पार्टी के अलावा कहां जाएंगे, उसके लिए अब यादवों के लिए काम करना होगा। अब वो चीज जो थी कि यादवों के लिए अगर काम कर दिया, देखिए अखिलेश यादव जी के मन में एक चीज रहती है, मैं बतौर पत्रकार आपको बता सकता हूँ, उनके मन में ये चीज रहती है कि अगर मान लीजिए मैंने यादवों के लिए कोई काम कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी ये कहने लग जाती है कि यादव समाज के लिए कर दिया, यादव गांव के लिए कर दिया, या जब कहीं भी हो किसी चीज के लिए कर दिया, उसमें से ये निकल आया कि इस गांव में जी तो 70 यादव रहते हैं और 30 दूसरी बिरादरी के लोग रहते हैं, तो देखो यादवों के ऊपर कैसे लुटाए दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव थे तब भी वो इस बात से बचते थे कि कहीं ऐसा आरोप ना लगने पाए कि मैं जो हूँ वो यादवों के लिए ही काम करता हूँ। तो अब जो है, अब वो चीज दिमाग से हटानी होगी। अब उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अखिलेश यादव जी को, या फिर बिहार में तेजस्वी यादव को, जिस तरीके से ये चिढ़ाया जाता था कि यादवों के लिए करते हैं, यादवों के लिए करते हैं, यादवों के लिए करते हैं, अब वो चीज अपने ऊपर से हटानी पड़ेगी। मैं इसीलिए भरत, मैंने आपसे यही सवाल इसीलिए किया था कि अखिलेश यादव की रणनीति अब क्या होगी, और ज्यादा सजग रहना पड़ेगा और ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, और शायद जितनी मेहनत कर रहे हैं तो उससे ज्यादा करनी पड़ेगी बीजेपी से लड़ने के लिए, नहीं लगता आपको? जी 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 जी, आवाज आ रही? जी आ रही है, बोलिए जी। देखिए, उनकी उनकी रणनीति क्या होगी, अब ये तो वही जान सकते हैं कि उनकी रणनीति, उनके लोग,
उनकी पार्टी रणनीति क्या बनाती है। लेकिन यादव जो उत्तर प्रदेश में सोचता है, हम लोग गलियों में घूमते हैं, गांवों में घूमते हैं, जो सोचता है, जो मनोस्थिति है, जो जो दिमाग में उनके जाता है, जो चीजें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें जातियों के बीच, अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया है, तो फिर उस यादव जाति की वजह से क्या क्या मैसेज कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर उस मैसेज को हम डिकोड करें, तो उस मैसेज को हम लोगों ने डिकोड करने की कोशिश की है। अब अखिलेश यादव क्या करेंगे, उनका कदम क्या होगा, निर्णय क्या होगा, अब वो तो वही देख सकते हैं। तेजस्वी यादव क्या करेंगे, लेकिन एक बात, 100 बात की एक बात यह है कि अखिलेश यादव का जातिगत जनगणना वाली बात कहना बिल्कुल सही हुआ है, और इसका सीधा लाभ मध्य प्रदेश में यादव कम्युनिटी से सीएम बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े व्यक्ति को सीएम बनाकर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा है इस रिजल्ट से। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ सीखा है, भले नरेंद्र मोदी कुछ भी कहते रहे कि हम जो है गरीब ही जाती है या फिर एक ही जाती है, लेकिन इस जातिगत जनगणना की वजह से कम चलिए अभी तो यादवों की तरफ से एक मुख्यमंत्री बनाया गया, किसी और प्रदेश में और जनगणना होगी, किसी और की जितनी संख्या ज्यादा निकलेगी, जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उतनी हिस्सेदारी, किसी और प्रदेश में कहीं और निकलेगी तो उस वर्ग के व्यक्ति को हिस्सेदारी मिलेगी, अगर उस वर्ग के व्यक्ति के लिए अच्छा काम होगा तो अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत, कोई बात रह गई हो तो आप पूरी कर लीजिए, अगर कोई बात रह गई हो, वरना आप फिर से कहेंगे कि एक बात भूल गया मैं, लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिएगा भारत एक सोच पर। बहुत शुक्रिया भरत, आप देख रहे थे भारत एक सोच, नमस्कार। जी जी नमस्कार।